फौजी भाई ने सारे इक्विपमेंट अपने पिछवाड़े में डाल दिए, तो इसे कहते हैं रैपलिंग। ट्रेन तो भाग रही सीधे 100 की स्पीड से। तो ये है भाई पनिशमेंट। नहीं भैया, ये हो सकता है ये क्लिप यूट्यूब पे जाए। आप जब सुख का प्रयोग नहीं करना चाहते, हटो। तो हेलो, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है NIM में चौथा दिन, तो तैयार हो चुके हैं। 5:50 हो गया टाइम, वही सेम रूटीन है आज का जो कल का था, यानी सुबह 6 बजे फलन का टाइम 5:50 पे या 5:55 पे ऊपर खड़ा हो जाना है, और उसके बाद हमें निकलना है टेकला के लिए। पैदल वॉक होगी, यानी इस रुकसक के साथ, इस बैग के साथ पूरे 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर हमें जाना है टेकला, और वहां हमारे जो क्लास चलेगी वो आपको वीडियो के आगे आगे पता चलेगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से आज वही रूट चेंज, आज भी हम बाजार होके जाएंगे, मार्केट होके जाएंगे, तिलोत वाले पुल से नहीं जाएंगे। तो पूरे 10 किलोमीटर पड़ने वाला है पैदल ट्रैक। तो फिर से यही सेम रूट, 7 बज चुके हैं और ये हमारा रेस्टिंग पॉइंट। तो 7:30 हो गया टाइम, इस कड़क धूप में सुबह की हम जा रहे हैं टेकला की तरफ। यहाँ से टेकला की दूरी है 2 किलोमीटर, और आगे आगे जा रहे हैं हमारे नोटियाल जी, जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं 2 दिन बाद, और लग रहा है नोटियाल जी की हालत ख़राब हो गई है। और अपने साथ है ट्रेकर भाई राजमोहन, सांस फूल रही है। तो भाई हम टेकला के नीचे पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमारे 100 या 200 मीटर की चढ़ाई और है। अधिकतर लड़के सारे यहीं पे रुके हैं, यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट। पसीना इतनी आई है क्योंकि हमारा 9 किलोमीटर का ट्रैक था, 2 घंटे का सफ़र, और अभी रूट थोड़ा चेंज है तो 10 किलोमीटर का है पूरा, और 10 किलोमीटर 2 घंटे में आ तो हम बहुत जल्दी आ गए। अभी टाइम हो रहा है आपका जल्दी नहीं, 8:00 पूरे 6 मिनट रह गए अभी, तो मतलब 2 घंटे में 10 किलोमीटर का ट्रैक 20 किलो वजन के साथ रुकसक बैग के साथ। फिर यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद हमारी थोड़ा स्ट्रेचिंग होगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट। तो फाइनली भाई टेकला पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे अपना रुकसक रख देते हैं, उसके बाद होगी स्ट्रेचिंग। क्या है रवि ब्रो, ठीक है? हालत खराब होगी, पसीने ये देख लो भाई, एडवेंचर करने की सोच रहे हो तो एक बार हालत जरूर देख लेना। तो भाई पूरे 9 बज चुके हैं और 1 घंटा इतनी तगड़ी खतरनाक एक्सरसाइज हुई है, स्ट्रेचिंग हुई है, हालत ख़राब हो गई, पूरे कपड़े मिट्टी मिट्टी से। तो पहले हाथ धुल लेते हैं, जूते जूते सब खराब हो चुके हैं मतलब। तो ब्रेकफास्ट हुआ कंप्लीट, मेस्टन वगैरह धुल के थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। इधर आपका वॉशिंग पॉइंट, और ब्रेकफास्ट में मिला हुआ नाशपति, इसका एंजॉय अभी लेते हैं, टेस्टी एकदम। तो भाई हम रेडी हो चुके हैं अब प्रैक्टिकल करने के लिए। हाथ में मेरे मिटन से, जिसे कहते हैं जो हाथ में ये गले में है, इसे लॉन्ग स्लिंग, लॉन्ग टेप स्लिंग, शॉर्ट टेप स्लिंग, हेलमेट का है पीछे है, और पेयर शूज वगैरह इक्विपमेंट लेके हम हो चुके हैं रेडी। मेरे साथ अपने फौजी भाई, और फौजी भाई भी रेडी है। फौजी भाई ने सारे इक्विपमेंट अपने पिछवाड़े में डाल दिए। तो भाई अब हमारी क्लाइंबिंग स्टार्ट हो गई है, इसे कहते हैं रैपलिंग। आपने बोला 1-2-1-2 कर दी गाड़ी के लिए, ऐसी पनिशमेंट मिलती भाई जब अगर तुम्हें इतना सिखाओ और फिर भी तुम उस पर खड़े ना उतरो ना, होल्ड ही नहीं कर रही हो, ट्रेन तो भाग रही सीधे 100 की स्पीड से। ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ का चिंटू, जो ना अगर गलत रैपलिंग करे या क्लाइंबिंग करे काट के 4 पांव कर देना उसके, ठीक है? गुड। तो जितनी दे रहे यहाँ पे बिले, इस प्रकार से दी जाती है बिले, जितनी एक डेमो इधर भी दिखाना है, जब लूज हो जाए। गुड। तो अभी 10 मिनट का भाई टी टाइम ब्रेक था, 12 बज चुके हैं पूरे। अपने भाई की
रवि भाई की आज हालत खराब हुई है क्योंकि कल रात को मैंने फैन चलाया था, तो आज ऑफ रहेगा, कोई नहीं। सूरज भाई तो पहले से ही ढीला है लेकिन आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। क्या देख रहे हो सर, अकेले अकेले चाय पी ली? ठीक है, चले फौजी। तो भाई आज हम इसमें कर रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग। तो अभी टी टाइम में था, दो दो बिस्कुट या चार चार बिस्किट और टी। चाय तो हम पीते नहीं है, तो बिस्किट से काम चलाओ, पानी से काम चलाओ और इस हसीन वादी का मजा लो। तो यहाँ पे हमारे ज्ञानी लोग हमें सिखा रहे हैं कुछ नोट्स बनाना। अर्चना जी सही चल रहा ना सब? अभी तक तो सही है सर। चलो ठीक है, मजा तभी तो आता है। झूल रहा, पूरी पूरी झूल रहा, पाँव भी उठा दे। एक और झूल, एक और झूल। अब हम जरा इधर जाएंगे तो ये तभी इक्वलाइज है, इधर जाएंगे तो इक्वलाइज है। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी थी, वो दूसरी, उसके लिए अब है रिनू की तैयारी। कर खोल उसे पहले, परमिशन ले लो, हम ढूंढाते हैं। आ जा। तो भाई एक बज चुके हैं, अभी है लंच का टाइम। अभी तक हालत खराब हो गई थी, वो क्यों हुई थी उसका रीजन ये है, एक वाटर बोतल इश्यू हुई थी फौजी को, सुनील नाम है उसका, तो उसकी बोतल गुम हो गई कल और एक बोतल की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो उस सबके बैग खोलने पड़े अभी, रुकसक बैग, तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बैग बुक खोलने में और बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई थी। चलो अब लंच कर लेते हैं और उसके बाद होगा मेरे ख्याल से आधा घंटे का ब्रेक। आईपो लगो था अगर ऐसे मस्त लोग मिल जाए, मजा आ जाए फिर तो पहले क्या वो तेरा संकल्प भैया, हो सकता है ये क्लिप यूट्यूब पे जाए, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। तुम्हारे किस चीज के? जो भी उत्तराखंड के कोर्स आते हैं नाइम में होते हैं। क्यों, टेरी में भी तो होते हैं? राफ्टिंग के लिए कहा, उसके लिए कहा, राफ्टिंग के लिए आएंगे क्या? दो बोल रहा हूँ फिर मैं। अबे हर्षल, हर्षल से नहीं कराया इनको, कैसी बात कर रहा है? एक दो सेंटेंस और पकड़ ले पुलो, सेंटेंस और पकड़ ले पुलो में मजा आ जाएगा। तो इसी केस में रह रहा हूँ कि स्टिल वाटर में राफ्टिंग नहीं होती, रेनिंग वाटर में। तो भाई 2:17 हो गया टाइम, मेरे ख्याल से 2:30 पे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी जो हंसी आ रहे थे ना, तो वो सब होता है जब पुराने यार मिल बैठते हैं, पुराने यार तो पुरानी याद ताजा हो जाती है। तो ये सारा अब जितने बैठे थे उसमें एक लड़का तो नया है अभी, जो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स में मिला था, बाकी जो दो अर्चना और सूरज, ये हमें, ये इनके साथ हम लो एल्टीट्यूड गाइड कोर्स है। तो भाई बहुत एंजॉय हो रहा है। तो 4:00 हैं अभी, हमारी जस्ट क्लास कंप्लीट हुई है, अभी हमारा टी ब्रेक, तो थोड़ा टी पीते हैं और उसके बाद हमारा एक लेक्चर और है। ओ भाई साहब, ये तो सारे सर के ऊपर से गया रॉक टर्मिनोलॉजी। कौन कहता है लड़कियां काम नहीं करेंगी? कौन कहता है? ले जा जल्दी, चलो हटो यहाँ से, हटो। तो भाई लेक्चर हो गया कंप्लीट, टाइम हो रहा है अब 5 बजने वाले हैं और हम जा रहे हैं वापसी, लेने आ रखी है एनआईएम की बस। तो यहाँ से 200 मीटर डाउन जाना है और सीधे एनआईएम की बस में बैठ जाना है, उसके बाद आगे का शेड्यूल जो होगा उसे फॉलो करेंगे। तो भाई 5:30 हो गया टाइम, अभी पहुंचे हम इनकी कैंप, इसके बाद मेरे ख्याल से है हमारा टी टाइम और उसके बाद फिर क्लास। तो बैग रख लेते हैं पहले अपना रुकसक। तो भाई 6:15 हो गया टाइम और अब हमारा शेड्यूल है 6:20 का, 6:20 के अंदर हमें ऑडिटोरियम में पहुंचना है और उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अब कौन सी होगी, शेड्यूल तो हमने देखा नहीं है भाई, बहुत लेजी इंसान है तो वो वहीं जाके पता चलेगा। हमारा काम फिलहाल इतना है कि अपनी नोटबुक ले जानी है और एक पेन ले जाना है और जो बताएंगे वो नोट करते जाना है और सीखते जाना है। पूरा ऑडिटोरियम भाई खाली है, शायद हम 3 मिनट पहले पहुंच चुके हैं यहाँ, लड़के इसलिए पहले आते हैं कि सीट ले लेते हैं, आगे ना भरना पड़े। हमारे लिए है जगह भाई कहीं पे, पीछे से तो हॉटस्पॉट में खोल रहा हूँ, पीछे से तो आगे भगा देते यार ना। बात ये है, हम बैक बेंचर से कर रहे हैं।
अभी क्या रहा है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से आप लोग क्या समझते हो? बोलने का हाव भाव, बोली भाषा, हाउ टू एक्सप्लेन। चलो पहले बताओ व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो भाई 8 बज चुके हैं और अभी हमारी क्लास कंप्लीट हुई है। हमारी क्लास हुई थी कंप्लीट, किस चीज़ की तैयारी? गाइड कोर्स की, यानी आप एक अच्छे गाइड कैसे बन सकते हो, क्या क्या आपको रूल पता होना चाहिए, क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे कैसे आप एक अच्छे गाइड बन सकते हो। क्लास हमारी समाप्त होगी 8 बज चुके हैं, अभी थोड़ा सा यार मेडिकल वाले के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास। तो भाई 10 मिनट हो चुके हैं, खाने खाने की बैल बज चुकी है, लेकिन अभी मेरा मेडिकल ऑफिस में नंबर नहीं आया, क्योंकि इससे पहले मेरे ग्रुप के 3-4 लड़कियां जा रही ऑलरेडी, तो उनमें बहुत टाइम लग रहा है। अभी 10 मिनट हो गया है, तो 3-4 लड़कियां, तो मेडिकल जो डॉक्टर फैसिलिटी होती है ना बहुत अच्छी रहती है आगे, तो अच्छे से उनका चेकअप वगैरह करके देख रहे उन्हें, उसके बाद मैं जाता हूँ, क्योंकि हल्की सी यार नस चढ़ गई है थोड़ा, भोजन मतलब भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन उसके बाद आते हैं। अब रात के हो गए हैं 9:30, अभी हमारा भोजन जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो अभी लाइट जा चुकी है, फ्लैश लाइट लगा के यूज़ करनी पड़ रही है अपनी वीडियो के लिए। तो खाने में था आज सिंपल सा खाना था, दाल चावल और सब्जी रोटी। इसी के साथ वीडियो का भी एंड कर देते हैं, बहुत थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसी के साथ वीडियो का एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू। और हाँ।